नमस्कार दोस्तों, इमेजिन कीजिए एक ऐसा देश जिसका जीडीपी ग्रोथ रेट -50% तक गिर चुका हो, एक ऐसा देश जहां एक भयंकर जेनोसाइड में 15% देश की पॉपुलेशन मारी जा चुकी हो, लेकिन यही देश 25 सालों बाद इतना साफ सुथरा बन जाता है कि इसे सिंगापुर ऑफ अफ्रीका करके बुलाया जाता है। ये है दोस्तों रवांडा। आज की ग्राउंड रिपोर्ट में आइए जानते हैं इस देश की दिलचस्प कहानी। African state of Rwanda say an estimated 20,000 people have now died in 4 days of fighting. Within a span of 100 days, at least 800,000 people were killed. अपनी कहानी को शुरू से शुरू करते हैं, इस देश के भयंकर इतिहास को देखते हैं। पहले रवांडा एक छोटा सा देश है दोस्तों सेंट्रल अफ्रीका में। इसे द लैंड ऑफ थाउजेंड हिल्स भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर बहुत सी छोटी छोटी हिल्स हैं। एक लैंडलॉक्ड कंट्री है ये। अगर आप इसे मैप पर देखोगे तो इसके ऊपर है युगांडा, ईस्ट में टांजेनिया, साउथ में बुरुंडी और लेफ्ट में कॉन्गो है। हिस्टोरिकली कहें तो रवांडा में 18 अलग अलग क्लैंस हुआ करते थे, ट्राइब्स समझ लो। इन ट्राइब्स के अंदर अपना एक सोशियो इकोनॉमिक कैटेगराइजेशन का तरीका था। लोगों को हूतूज और तूत्सीज में डिवाइड किया जाता था। बेसिकली जैसे इंडिया में कास्ट सिस्टम होता था, वो भी एक सोशियो इकोनॉमिक कैटेगराइजेशन है लोगों का। शुरुआत में क्लासिफिकेशन कोई बहुत स्ट्रिक्ट नहीं था, लेकिन टाइम के साथ साथ ये दो अलग अलग एथनिक ग्रुप्स बनते चले गए। इंडिया में पहले जैसे ब्रिटिश का राज था, ऐसे ही रवांडा को कॉलोनाइज किया गया था, पहले जर्मनी के द्वारा और बाद में बेल्जियम के द्वारा। ठीक उसी तरह जिस तरह से ब्रिटिश राज ने इंडिया में डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाई थी, जो हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच में दरारें थी और जो अलग अलग कास्ट के बीच में डिफरेंसेस थे, वो इंडिया में और बढ़ गए ब्रिटिश के आने के बाद। इसी तरह से ही जब कॉलोनाइजर्स रवांडा में आए, तो उनके आने के बाद जो हूतूज और तूत्सीज के बीच में डिफरेंसेस थे, वो इस हद तक बढ़ गए कि इन्हें अलग अलग रेस की तरह देखा जाने लगा। ये स्पेशली तब हुआ जब बेल्जियम ने रेशियल आइडेंटिटी कार्ड्स इशू किए 1932 में। स्ट्रिक्टली इन्होंने क्राइटेरिया डिफाइन किया कि कौन हूतू होगा, कौन तूत्सी होगा, फिजिकल फीचर्स के बेसिस पर तक। ये कहा कि जिसकी नाक ऐसे है वो हूतू है, या जिसका मुंह ऐसा दिखता है वो तूत्सी है। इनफैक्ट इन्होंने ये तक कह दिया कि जिस इंसान के पास 10 से ज्यादा गाय हैं वो एक तूत्सी है, जिसके पास 10 से कम गाय हैं वो एक हूतू है। इस रेशियल कैटेगराइजेशन के बाद इन्होंने अंदाजा लगाया कि करीब 15% पॉपुलेशन रवांडा की तूत्सीज है और करीब 85% पॉपुलेशन हूतूज है। तूत्सी कम्युनिटी को एक्चुअली में एलीट क्लास कंसिडर किया जा सकता है देश की, क्योंकि उस टाइम पर वो रूलिंग मोनार्की भी थी। और जैसा क्लासिफिकेशन ने बताया कि जिसके पास 10 से ज्यादा गाय हैं वो तूत्सी होगा, तो ऑब्वियसली जो अमीर लोग थे वो तूत्सीज थे मोर ऑफन देन नॉट। 1962 में जब रवांडा देश को आजादी मिली, बहुत नफरत थी इन दोनों कम्युनिटीज के बीच में एक दूसरे को लेकर, और कुछ आग में घी डालने का काम इनके खुद के रवांडन पॉलिटिशियंस ने भी किया था। कुछ ऐसे पॉलिटिशियंस थे इनके अंदर जो इतनी नफरत घोलते थे, कहते थे कि हूतूज और तूत्सीज दो अलग अलग नेशंस हैं, एक जगह में रहते हो, एक स्टेट में रहते हो, ये दोनों कम्युनिटीज एक साथ कभी नहीं रह सकती। वैसे कुछ याद आ रहा है ऐसे डायलॉग से, एक सुना सुना सा लग रहा है ऐसा डायलॉग। अब नफरत तो काफी टाइम से पनप रही थी इन दोनों कम्युनिटीज के बीच में, लेकिन इसका एस्केलेशन धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हुआ। There would be outbreaks of ethnically motivated violence that would send hundreds of thousands of Tutsi refugees into neighboring countries. स्कूल में बच्चों को सेपरेट किया गया, सेग्रीगेट किया गया कि यहाँ पर तूत्सीज बैठेंगे, यहाँ पर हूतूज बैठेंगे। मिलिशिया ग्रुप्स फॉर्म होने लगे जो कहने लगे कि देखो हम तो हूतूनेस की बात करते हैं। ये फोटोज देख सकते हो आप, बेसिकली सिविलियन लोग जो हथियार उठाते हैं और कहते हैं हम तो बड़े प्राउड हूतू हैं, हम एक हूतू देश बनाना चाहते हैं। कहते हैं कि हूतू इज अ वे ऑफ लाइफ, हूतूनेस की बात करते हैं। इसके अलावा बची कुची कसर इनके मीडिया ने पूरी कर दी। इनका एक रेडियो रवांडा था जो जहर उगलने का काम करता था। बहुत से लोग आज के दिन गोदी मीडिया को रेडियो रवांडा से कंपेयर करते हैं। ऐसे पैम्फलेट्स छापे गए कि कोई भी हूतू जो तूत्सी से मैरिड है वो अपनी शादी तोड़ दे, कोई हूतू किसी भी तूत्सी के साथ बिजनेस ना करे। और 6 अप्रैल 1994 को चीजें अपने टिपिंग पॉइंट पर पहुंच गई। एक एरोप्लेन था जिसमें इनके प्रेसिडेंट जुवेनाल हाबियारिमाना बैठे थे, जो कि खुद एक हूतू थे। उस एरोप्लेन को शूट डाउन कर दिया जाता है
और सारे लोग उस प्लेन में मौजूद जो थे वो मारे जाते हैं, इंक्लूडिंग इनके देश के प्रेसिडेंट। At 9:30 in the evening local time, two loud explosions were heard, and the plane carrying President Juvenal Habyarimana of Rwanda and President Cyprien Ntaryamira of Burundi and six other people crashed in flames. एग्जैक्टली इस प्लेन को कौन शूट डाउन करता है ये तो आज के दिन तक हम क्लियरली नहीं जानते, लेकिन हूतू एक्सट्रीमिस्ट आरपीएफ पर ब्लेम डालते हैं। आरपीएफ यानी रवांडन पेट्रियोटिक फ्रंट, एक रेबल ग्रुप तुत्सीज का। आरपीएफ दूसरी तरफ ब्लेम डालता है हूतू एक्सट्रीमिस्ट पर, कहता है कि इन्होंने प्लेन को शूट डाउन कर दिया, ये एक एक्सक्यूज ढूंढ रहे थे जेनोसाइड करने के लिए। लेकिन सच जो भी हो, ये एक इंसिडेंट ट्रिगर पॉइंट बन जाता है एक भयंकर जेनोसाइड का, जिसे हम आज के दिन रवांडन जेनोसाइड करके जानते हैं। अगले 100 दिनों में 8 लाख से ज्यादा लोग मारे जाते हैं रवांडा में हूतू एक्सट्रीमिस्ट के द्वारा। इनमें से ज्यादातर लोग तुत्सीज होते हैं ऑब्वियसली, लेकिन कुछ मॉडरेट हूतूज भी होते हैं। Over the course of 100 days from April 6th to July 16th, an estimated 1 million Tutsi and some moderate Hutus were slaughtered in the Rwandan genocide. कई ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं जहां पर एक पड़ोसी ही दूसरे पड़ोसी को मार डालता है। कई लोग हैरान हो जाते हैं देखकर कि जिसे वो लोग अपना दोस्त समझते थे वही उन्हें मार डालते हैं। ये कहानियां इतनी खौफनाक हैं कि वीडियो पर बताई भी नहीं जा सकती। बस आप ये इमेजिन कर लीजिए कि रवांडा की पॉपुलेशन उस टाइम पर 7 मिलियन हुआ करती थी। ऑलमोस्ट 1 मिलियन लोग मारे गए इस जेनोसाइड में। यही वो टाइम था जब देश का जीडीपी ग्रोथ रेट -50% तक पहुंच गया। लेकिन अगले 20 सालों की कहानी इनके देश के जबरदस्त रिबाउंड की है। ये जेनोसाइड खत्म होता है जब तुत्सी डोमिनेटेड रेबल ग्रुप आरपीएफ किगाली को वापस रिकैप्चर कर लेता है, एग्जिस्टिंग हूतू सरकार को ओवरथ्रो कर दिया जाता है और वो पावर सीज कर लेता है। एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है देश का जो गारंटी करता है इक्वल राइट्स फॉर ऑल रवांडन्स। एक ट्रांजिशनल सरकार बनाई जाती है जिसके प्रेसिडेंट बनते हैं एक हूतू और वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं एक तुत्सी जिनका नाम है पॉल कगामे। बाद में जाकर अप्रैल 2000 में पॉल कगामे रवांडा के प्रेसिडेंट बन जाते हैं, जो कि आज के दिन तक रवांडा के प्रेसिडेंट हैं। अगले 20 सालों में जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिलती है रवांडा में। ऑन एवरेज 7% का जीडीपी ग्रोथ रेट हर साल 20 सालों के लिए। इनका जीडीपी पर कैपिटा भी ऑलमोस्ट 4 गुना से बढ़ जाता है 2000 और 2020 को अगर आप कंपेयर करोगे तो। इसके अलावा एक कमाल का फोकस करते हैं ये एजुकेशन और हेल्थ केयर के सेक्टर्स में, जहां पर 15% बजट एजुकेशन के लिए एलोकेट करते हैं, ऑलमोस्ट 8% बजट हेल्थ केयर को दिया जाता है। इसी की वजह से लिटरेसी रेट में भी एक बहुत भारी ग्रोथ देखने को मिलती है। 1978 में 38% का लिटरेसी रेट, 2018 में 73% का लिटरेसी रेट। एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो 2005 में 55 ईयर्स पर थी, 2020 में 69 ईयर्स क्रॉस कर जाती है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी इतना ज्यादा इंप्रूवमेंट दिखता है कि रवांडा की रैंक 29th बन जाती है दुनिया भर में। रवांडा इकलौती लो इनकम कंट्री बन जाता है टॉप 30 में। ये दावा करते हैं कि यहां पर बिजनेस को रजिस्टर करना और ऑथराइज करना इतना आसान है कि सिर्फ 24 घंटे का समय लगता है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2017 की रैंकिंग्स में अफ्रीका की 3rd least करप्ट कंट्री बन जाता है रवांडा। चीजें इतनी तेजी से इंप्रूव होती हैं कि रवांडा को कहा जाने लगता है द सिंगापुर ऑफ अफ्रीका। नई टेक्नोलॉजीज को लेकर भी रवांडा की सरकार काफी ओपन रही है, जैसे कि 2020 में इनकी सरकार ने एक डेडिकेटेड बजट एलोकेट किया था ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट्स के लिए। इनके सरकार के एक मिनिस्टर ने कहा था ब्लॉकचेन हिस्सा रहेगी आने वाली 4th industrial revolution का। 2020 में ही पहला ब्लॉकचेन ट्रेनिंग स्कूल भी एस्टैब्लिश किया गया रवांडा में, लोगों को ब्लॉकचेन के बारे में ट्रेनिंग देने के लिए, सिखाने के लिए। अब हैरानी की बात यह है दोस्तों कि इतने बड़े टर्न अराउंड के बाद भी आज के दिन भी ये देश एक गरीब देश है। यहाँ की 90% पॉपुलेशन अप्रॉक्सीमेटली फार्मिंग करती है, एग्रीकल्चर के सेक्टर में एम्प्लॉयड है। यहाँ का जो पॉवर्टी रेट है इंडिया के कंपैरिजन में बेकार है, 38% और इंडिया का 30% से थोड़ा नीचे है। यहाँ का जो जीडीपी पर कैपिटा है इंडिया के जीडीपी पर कैपिटा से आधे से भी कम है, इवन दो इंडिया का जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा है यहाँ के कंपैरिजन में। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद भी यहाँ की जो क्लिनलीनेस है, साफ़ सफाई है, उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। इंडिया के किसी भी शहर में इतनी साफ सफाई मिलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि ये देश इतनी साफ सफाई कैसे अचीव कर पाया। अब कुछ चीज़ें तो बड़ी बेसिक हैं,
जैसे कि सरकार की तरफ से अच्छी सड़कें बनाए जाना, फुटपाथ्स बनाए जाना, इन सब की मेंटेनेंस करना, म्यूनिसिपैलिटी की तरफ से रेगुलर साफ सफाई करना सड़कों की, लेकिन इसके अलावा प्लास्टिक बैग्स को बैन किया जाना। अब इंडिया में भी कई सरकारों ने कोशिश करी है प्लास्टिक बैग्स को बैन करने की, लेकिन वो बैन्स इनएफेक्टिव रहे हैं क्योंकि उनकी इम्प्लीमेंटेशन सही से नहीं हुई है। लेकिन यहाँ पर जब 2008 में प्लास्टिक बैग्स को बैन किया गया था तो ये बैन इतना इफेक्टिव है कि जब मैं फ्लाइट से आ रहा था यहाँ पर, एरोप्लेन में अनाउंसमेंट करी गई थी कि आपके सूटकेस में कोई प्लास्टिक बैग है तो उसे अभी बाहर निकाल दो, नहीं तो ये एंटर नहीं करने देंगे उस प्लास्टिक बैग के साथ इधर। इतना इफेक्टिव है कि आपको कहीं पर भी एक भी प्लास्टिक बैग नहीं मिलेगा यहाँ की सड़कों पर। ज़्यादातर डेवलपिंग कंट्रीज़ में दोस्तों पब्लिक प्लेसेस में डस्टबिन्स की सख्त कमी होती है। यहाँ पर ना सिर्फ डस्टबिन्स हैं बल्कि अलग अलग डस्टबिन्स भी हैं अलग अलग टाइप के कचरे के लिए। ये वाला रिसाइकलेबल के लिए, पेपर, ग्लास, मेटल, प्लास्टिक, यहाँ पर बाकी वेस्ट, यहाँ पर बैटरीज के लिए भी एक अलग से जगह बना रखी है। बहुत रेयर होता है ये बाकी इंडिया जैसे देशों में देखना। यहाँ पर जो अच्छे अच्छे फ्लावर्स आप देख रहे हैं, इन सबको पानी देने के लिए कोई टैंकर नहीं आता यहाँ पे, बल्कि इन्होंने ऑटोमेटिक पाइप का सिस्टम लगा रखा है जिससे अपने आप इन्हें पानी मिलता रहता है। इसके अलावा इनका एक और सीक्रेट है साफ सफाई का। इस सीक्रेट का नाम है उमुगांडा। लिटरली कहें तो उमुगांडा का मतलब होता है साथ में आना, एक कॉमन पर्पस अचीव करने के लिए, कमिंग टूगेदर टू अचीव अ कॉमन आउटकम। एक ऐसी प्रैक्टिस थी जो सालों से रवांडन कल्चर का हिस्सा रही है, लेकिन पिछले कुछ सालों में ये एक मैंडेटरी कम्युनिटी सर्विस बन चुकी है। पहले क्या होता था, कोई गांव वाला होता था जो अगर मान लो उसे अपना फॉर एग्जांपल घर बनाना होता था तो पड़ोसी गांव वाले साथ में आते थे, उस गांव वाले की मदद करते थे उसका घर बनाने में। तो ये एक कम्युनिटी इनिशिएटिव था जिसमें सब साथ में मिलकर काम करते थे एक दूसरे के लिए। इनके प्रेसिडेंट पॉल कगामे ने उमुगांडा का इस्तेमाल किया देश को साफ करने के लिए। इन्होंने कहा अब से ये एक फॉर्मल इवेंट होगा, हर महीने के आखिरी सैटरडे को, द लास्ट सैटरडे ऑफ एवरी मंथ, सुबह के 8 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में देश का हर नागरिक अपने घरों से बाहर निकलेगा और देश की साफ सफाई करेगा, अपने आसपास सड़कों की, गलियों की साफ सफाई करेगा, या तो कहीं पर कोई मेंटेनेंस वर्क की जरूरत होगी तो वो मेंटेनेंस वर्क करेगा। और हर इंसान को पार्टिसिपेट करना जरूरी है एज लॉन्ग एज दे आर एबल बॉडीड। अगर कोई डिसेबल्ड है तो ऑब्वियसली वो एक्सक्लूडेड है इससे, लेकिन एज लिमिट सेट करी गई है 18 ईयर्स से अबव और 65 ईयर्स से नीचे का हर नागरिक इसमें पार्टिसिपेट करेगा। और अगर कोई नहीं पार्टिसिपेट करता तो उन पर पेनल्टी लगेगी, उन्हें फाइन किया जाएगा। इस चीज के आप मायने समझ रहे हो, साफ सफाई करना देश की एक पेट्रियोटिक ड्यूटी बना दिया गया है रवांडा में। ना सिर्फ आम जनता बल्कि रवांडा का हर पॉलिटिशियन, इवन रवांडा के प्रेसिडेंट खुद आते हैं सड़क पर और साफ सफाई करते हैं हर महीने। बाकी पॉलिटिशियंस की तरह नहीं है कि इंडिया में तो क्या होता है कि झाड़ू पकड़ लिया भाई, कुछ पत्ते फैला दिए नीचे और फोटो खींचने लग गए पॉलिटिशियन आकर, और एक बार ऐसा किया बाद में भूल गए। यहां पर हर महीने इनके सारे पॉलिटिशियंस ये करते हैं, प्रेसिडेंट ये करते हैं, और जब कंसिस्टेंसी बनती है तभी यहां पर एक्चुअली में साफ सफाई को मेंटेन किया जा सकता है, रेगुलरली ये काम किया जाता है। और ऑब्वियसली जब ऐसा किया जाएगा तो लोगों के अंदर खुद भावना जागेगी कि ये बाहर साफ सफाई को मेंटेन करना कितना जरूरी है। जब वो खुद से साफ करेंगे तब उन्हें पता लगेगा कि कूड़ा नहीं फैलाना चाहिए। ऑब्वियसली लोग मोटिवेट हुए कचरा ना फैलाने को, साफ सफाई करने को, तो आज के दिन यहां की सड़कें इतनी साफ हो पाई हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि रवांडा एक मॉडल देश बन चुका है, इस देश में कई कमियां हैं, जैसे कि इनके जो प्रेसिडेंट हैं पिछली इलेक्शंस में उन्हें 98.8% वोट मिले थे। अब मैंने यहाँ पर जितने भी लोगों से बात करी मानता हूँ काफ़ी पॉपुलर हैं, लेकिन 99% वोट मिलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स का मानना है कि यहाँ पर जो इलेक्शंस कराई जाती हैं वो फ्री और फेयर नहीं होती, और ना ही इस देश में इतनी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ मीडिया है। यहाँ की जो प्रेस फ्रीडम रैंकिंग है इंडिया से भी बेकार है। यहाँ लोगों को प्रोटेस्ट करने की उतनी आज़ादी नहीं है, सरकार को क्रिटिसाइज़ करने की आज़ादी नहीं है। लेकिन इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा पर्पस ये है कि जो भी अच्छी चीज़ें हो रही हैं यहाँ पर उनसे हम सीख ले सकते हैं और अपने देश में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसलिए उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेशनल लगा होगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अगर रवांडा के बारे में आप और जानना चाहते हैं, आप मेरे व्लॉग्स को चेकआउट कर सकते हैं व्लॉग चैनल पर, और डिटेल में इस देश को कैसे एक्सप्लोर किया हमने। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।